तो गैस आज फिर हम जोमैटो में पार्ट टाइम काम करने वाले हैं। आज 2 जनवरी है 2024 और आज हमें जो ऑर्डर का पैसा है कुछ ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि मेरे लोकेशन में जो है ऑफर चलाया हुआ है। आप सभी को पता है ठंड काफी बढ़ चुकी है और आज 2 जनवरी है और जनवरी के महीने में ठंड काफी होती है, तो इसीलिए मेरे लोकेशन के अंदर ब्रेकफास्ट डिनर में और लेट नाइट में यहाँ पर मुझे ऑर्डर के साथ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 10 रुपये 15 रुपये आपके लोकेशन में ज्यादा भी हो सकता है। और आज देखेंगे कि मेरे पास कितना ऑर्डर आएगा। आज हमने 6 बजे से लेकर 11 बजे के तक स्लॉट बुक किए हैं, यानी कि हम 11 बजे तक काम करेंगे और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं 500 या फिर 700-800 रुपए कमा के ही जाऊंगा। काफी ऑर्डर हम आपके सामने करेंगे, वो देखेंगे कि एक्चुअली हमें कितना पैसा मिलेगा। जो हमें दिखाया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर का पैसा मिलेगा अगर हम लेट नाइट या फिर डिनर में काम करेंगे, 15-10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। देखते हैं कि वो ऑर्डर के साथ ही मिलेगा या फिर वो अगले दिन अपडेट होगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 ऑर्डर डिलीवर करूंगा, कैसे मैं पिक करूंगा और आज काफी ठंड भी है और क्या क्या प्रॉब्लम आज आने वाली है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और लॉगिन वगैरह कर लेते हैं। हमने जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन किया, उसके बाद ये बोल रहा है कि गो ऑनलाइन या फिर आप यहां से भी ऑनलाइन जा सकते हैं। तो हमारा यहां पर टाइम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और ये ऑफर आप देखिए जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑफर मुझे आज मिलने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में काम नहीं करेंगे, ओनली डिनर में और लेट नाइट में काम करेंगे, तो ऑर्डर के साथ हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा अर्निंग आपको मिलेगी या फिर मुझे मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस ऑफर पे क्लिक करता हूँ और एक बार इस ऑफर को मैं पिन कर लेता हूँ। एक्चुअली इस ऑफर को पिन करना जरूरी है, जो भी ऑफर मैं लेने वाला हूँ तो यहाँ पर इस ऑफर को पिन करूंगा, तभी मुझे जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आ चुका है सिलेक्ट ऑफर विल नाउ बी, मतलब कि एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले ये ऑफर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर गो ऑनलाइन पे क्लिक किया तो हम यहाँ पर देखिए ऑनलाइन हो चुके हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की वेट, कब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आएगा और सबसे पहले शुरुआत कितने अर्निंग से होती है, यानी कि ऑर्डर 20 का आएगा या फिर 30 का आएगा, 50 का आएगा, देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा कितने पैसे का लगेगा। तो गैस हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमारा लगा है 29.14 रुपए का, यानी 30 रुपए के आसपास हमारा ऑर्डर लग चुका है और ये 27 स्ट्रीट वॉक से यहाँ पर उठाना है और मेरे जस्ट रूम के बगल में ये होटल पड़ता है। सबसे पहले इस ऑर्डर को हम आपके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गैस देखिए अभी हम रूम पे हैं और आपके सामने अभी हमने जोमैटो में ऑनलाइन किया है आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, और जैसे ही ऑनलाइन किया है तो तुरंत 2 मिनट बाद हमारे पास ऑर्डर आ चुका है 29.14 पैसे का, यानी 30 रुपए के आसपास ऑर्डर आया है। और जो ये रेस्टोरेंट है मेरे रूम के जस्ट बगल में ही है, 200-300 मीटर पे ही है, तो मुझे इस रेस्टोरेंट का पता है और यहाँ से हम सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑर्डर पिक करते हैं। आज जो हमारी शुरुआत हुई है वो हमारी 29.14 रुपए यानी 30 रुपए से ऑर्डर की शुरुआत हुई, फर्स्ट ऑर्डर आया है। और एंड तक देखना 11 बजे तक हमारे पास कितना ऑर्डर आता है और फाइनली अर्निंग हमारी कितनी बनेगी, और काफी सारी प्रॉब्लम आएगी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि रात में जब काम करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठंड ज्यादा हो रही है और सड़क पे काफी भीड़ भी होती है, सभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर को लेने। ऑर्डर जो है यहाँ से हमने पिक कर लिया, ये है केक, हाफ केक, और कस्टमर के लोकेशन पर हम चलते हैं। तो गाइस हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हमने इस कस्टमर का ऑर्डर हाउस में दे दिया है और अब हम करते हैं जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन पर ऑर्डर को डिलीवर। तो दोस्तों अब हम करते हैं ऑर्डर को डिलीवर आपके सामने और देखते हैं एक्चुअली हमें कितना पैसा मिला। कस्टमर को रेटिंग कर देते हैं, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि अर्निंग कितनी हुई है। यहाँ पर दिखा रहा है कि 28.94 रुपए मिले, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाया गया था 29.14 पैसे यहाँ पर दिखाया गया था, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद देखिए हम करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक। तो अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर का वेट, क्योंकि अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर आएगा। तो गाइस सेकंड ऑर्डर हमारे पास आ गया था, दिल्ली सोया चाप से ऑर्डर को पिक कर लिया है और इस ऑर्डर का हमें मिलेगा 30 रुपए। सेकंड ऑर्डर को हमने पिक कर लिया, उसके बाद कस्टमर के पास जाते हैं और इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और देखते हैं एक्चुअली हमें कितना पैसा इस ऑर्डर का मिलेगा। तो हमने ऑर्डर को रख लिया बैग में, अब चलते हैं कस्टमर के पास जहाँ पर कस्टमर ने मंगवाया है ऑर्डर। ऑर्डर जो है 30-35 रुपए के आ रहे हैं, पास पास के ऑर्डर है और ऑफर चला हुआ, जैसे मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया था, लेट नाइट में 15 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो गाइस अभी देखिए अभी हमारे 1 घंटे में 2 ही ऑर्डर हुए हैं, यानी एक ऑर्डर 30 का था और फर्स्ट वाला जो ऑर्डर था उसमें हमें 28 रुपए मिले थे, यानी कि बात करूं टोटल की तो यहां पर 60 से 60 रुपए के आसपास बन चुके हैं। और अभी 7 बजे हैं और 7 बजे के बाद काफी सारे ऑर्डर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ठंड काफी हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं, मैंने सारा मुंह अपना ढका हुआ है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं।
तो गाइस आपके सामने वीडियो बनाते बनाते मेरे पास थर्ड ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर के मुझे 60 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। और ये जो ऑर्डर है ये 6 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर है और बर्गर 13 का ऑर्डर है जो कि 6 किलोमीटर पास का ही ऑर्डर है दोस्तों। वैसे तो क्योंकि इतना पैसा नहीं मिलता 6 किलोमीटर का जो आज दिखाया गया है। आज ऑफर के साथ साथ मुझे लेट नाइट पे काम करने का 15 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है आपके सामने। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ठंड काफी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और आज कुछ ट्रैफिक भी ज्यादा है रोड के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आज मंगलवार है तो आज आपको पता है कि जो रेस्टोरेंट होते हैं चिकन वाले जो नॉन वेजिटेबल होते हैं आज वो सभी बंद है तो इसके कारण से भी थोड़ा ऑर्डर आज कम आएगा। और आपको पता है कि काफी जो लोग हैं वो नॉन वेजिटेबल जो है फूड खाते हैं खाना खाते हैं तो आई थिंक थोड़ा ऑर्डर कम हो सकता है। बट बैक टू बैक ऑर्डर आज लग रहे हैं। जैसे मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो उसके बाद 5 मिनट वेट करता हूँ देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है। तो चलिए अब इस ऑर्डर को लेने चलते हैं उसके बाद कस्टमर को जाकर डिलीवर करेंगे और उसके बाद चौथे ऑर्डर का वेट करेंगे। तो गाइस बर्गर 13 से हमने ऑर्डर ले लिया है, पीछे बर्गर 13 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट के सामने। और अब चलते हैं कस्टमर के पास। सबसे पहले इस ऑर्डर को हम जोमेटो बैग में रख लेते हैं। देन ऑर्डर काफी दूर का है और लोकेशन जो है बड़बड़ी सी है यानी कि सीधा रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले ऑर्डर को हम रखते हैं जोमेटो बैग में और अब चलते हैं कस्टमर के पास। और जितना पैसा दिखाया गया था एक्चुअली उतना मिलेगा या नहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है लेकिन जोमेटो ने ऐसा अफोर्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप भी राइडर हो और आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो चलिए अब चलते हैं कस्टमर के पास। तो भाई साहब अभी कस्टमर का ऑर्डर देखा है वो आपको पता है कि मैंने अभी बर्गर 13 से ऑर्डर उठाया था, तीसरा अपना चौथा ऑर्डर था। क्या हुआ कि कस्टमर की लोकेशन गलत थी लेकिन वेरीफाई लोकेशन थी, उसके बावजूद भी मुझे कस्टमर ने इतना घुमाया कि 1 किलोमीटर फालतू चला दिया। अब देखिए उसका पैसा कौन देगा पेट्रोल का। अब कंपनी तो पैसा उतना ही देगी जहाँ आपकी लोकेशन दिखाई गई थी, बट वेरीफाई लोकेशन थी। फिर भी कई बार क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर करता है तो गलत लोकेशन उठा लेता है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता था क्योंकि कस्टमर जो थी वो गर्ल लड़की थी। तो हमने सोचा कि चलो दे आते हैं, अगर लड़का होता तो फिर हम कुछ देख सोचते। दोस्तों मेरे पास मल्टी ऑर्डर आया काफी देर के बाद, तीसरे ऑर्डर के बाद मेरे पास मल्टी ऑर्डर आया यानी कि चौथा और पांचवा मेरे पास एक साथ ऑर्डर आया और अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर लेने। ये जो मल्टी ऑर्डर है मुझे इस ऑर्डर का 54 से 55 रुपए मिलेगा यानी कि दो होटल हैं जहाँ से मुझे ऑर्डर को पिक करने हैं और दो ही कस्टमर है, अलग अलग कस्टमर है अलग अलग होटल है तो दो ऑर्डर मैंने एक साथ पिक करने हैं उसके बाद कस्टमर के पास जाकर दोनों ऑर्डर को डिलीवर करने हैं। तो यहाँ पर 54 से 55 रुपए दिखाया गया है और अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन जो ये अब ऑर्डर आया काफी लेट मेरे पास ऑर्डर आया। देखिए कस्टमर की लोकेशन पहुंच गए हम, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर हम खड़े हैं और पहला ऑर्डर तो हमने डिलीवर कर दिया था यानी कि मल्टी ऑर्डर आया था आपके सामने। तो फाइनल देखते हैं इसको डिलीवर करने के बाद जो मल्टी दूसरा ऑर्डर है कितना पैसा हमें मिलेगा। तो चलिए इस ऑर्डर को हम डिलीवर कर देते हैं। देन यहाँ पर देखिए हमें मिला है 53 रुपए 93 पैसे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं और नेक्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रहा है कि नेक्स्ट ऑर्डर पिकअप करें, मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ऑर्डर ताज फूड का ऑर्डर है और 25 रुपए मुझे मिलेगा इस ऑर्डर का। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ऑर्डर को। तो यहाँ पर ये दो ऑर्डर दोबारा फिर लग चुके हैं यानी कि पहले भी मल्टी ऑर्डर आया था तो दोबारा फिर मेरे पास मल्टी ऑर्डर आ चुका है, इसको भी हम पिक कर लेते हैं। तो आज मुझे लगता है कि राइडर कम हो गए हैं शायद तो मेरे पास मल्टी ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। तो चलिए दोनों ऑर्डर को पिक करके लेकर आते हैं। तो दोस्तों मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। जैसे ही दोस्तों मैंने ऑर्डर डिलीवर किया तो देन उसके बाद मेरे पास एकदम से मल्टी ऑर्डर आ गया और मैंने आपके सामने मल्टी ऑर्डर पिक किया था और सबसे पहले मल्टी ऑर्डर डिलीवर किया उसके बाद फिर मल्टी ऑर्डर आ गया। मुझे लगता है राइडर कम हो चुके हैं जिसकी वजह से मल्टी ऑर्डर बार बार आ रहे हैं। तो गाइस ये भी मल्टी ऑर्डर जैसे आपने देखा ही है और मैं कस्टमर की लोकेशन में पहुंच चुका हूँ। मल्टी ऑर्डर में मैंने पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और ये सेकंड ऑर्डर था तो इसका मुझे कैश लेना है 202 रुपए। कस्टमर ने मुझे दिए हैं 205 रुपए यानी कि 2 से 3 रुपए टिप मिली है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीवर करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे इस ऑर्डर कितना पैसा मिला है। तो फाइनल देखिए पहले भी मल्टी ऑर्डर आया था और अब भी मल्टी ऑर्डर आया जैसे मैंने आपको वीडियो में बताई दिया। तो देखिए काफी अच्छा पैसा मुझे मिला है, 70 रुपए मिले हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेवल किया है 11 किलोमीटर, 11 से 11.5 किलोमीटर ट्रेवल किया है और 44 मिनट लगे हैं यानी कि ऑर्डर काफी बड़ा था यानी कि कस्टमर दूर दूर थे और रेस्टोरेंट की दो थे तो इसकी वजह से मुझे इतना टाइम लगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे क्लिक, देन उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अर्निंग कितनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 घंटे लगभग हो चुके हैं और यहाँ पर 389 यानी 390 रुपए का काम हो चुका है और 6 ऑर्डर डिलीवर किए हैं आपके सामने। तो देखिए ऑर्डर 6 है और 400 रुपए के आसपास अर्निंग होने वाली है। तो आज भी जोमेटो में पैसा है, ऐसी बात नहीं है कि जोमेटो में आप काम करते तो पैसा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम काफी आती है। प्रॉब्लम इतनी आई है जैसे कि आपने देखा ही है कि राइडर ना होने की वजह से ऑर्डर जो है मल्टी मल्टी आ रहे हैं और कस्टमर भी दूर दूर आ रहे हैं और रेस्टोरेंट भी दूर दूर आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है थोड़ी जोमेटो में और जो दिखाया जाता है ऑर्डर का पैसा वो एक्चुअली में नहीं मिल पा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि आप देख ही सकते हो लाइव जैसे मैं आपको दिखाई रहा हूँ वीडियो में। तो गाइस 7वां ऑर्डर लग चुका है और इस ऑर्डर का मुझे मिलेगा 51 रुपए और 5 से 6 किलोमीटर के अंडर में डिलीवर करना है। तो सबसे पहले इस ऑर्डर को सेक्ट कर लेते हैं आपके साथ।
सामने। तो हमने ऑर्डर को कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं इस रेस्टोरेंट पर जहाँ पर ये रेस्टोरेंट बना है, उस रेस्टोरेंट का मुझे पता है कि कहाँ पर है ये। तो गाइस देखिए आपके सामने सातवां ऑर्डर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों जिस लोकेशन से मैं आया था और मैं 2 या फिर 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। अब बोल रहा है कि पीछे जाके ऑर्डर उठाना है, रेस्टोरेंट मुझसे पीछे रह गया। अब जोमेटो क्या कर रही है मुझे पता नहीं है दोस्तों। अब पिकअप भी थोड़ा दूर का, जहाँ से मैं आया था उधर के डाल दिया है और अब देखते हैं 5 किलोमीटर पर जाना है। ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर जोमेटो का सिस्टम क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए जहाँ पर मैं अभी ऑर्डर डिलीवर करने गया था 5 से 6 किलोमीटर पर, वहाँ से मैं बिल्कुल खाली आया, यानी रिटर्न में मुझे ऑर्डर नहीं मिला। अब 5 से 6 किलोमीटर के बाद यहाँ पर मैं खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट जहाँ से मैं आया था वो मुझसे पीछे रह गया है, यानी कि 1.5 किलोमीटर दूर। तो अब मुझे वापसी जाना है, वहाँ से ऑर्डर उठा के देखूंगा मुझे कहाँ भेजा गया है। और 10 से ऊपर टाइम हो चुका है, यानी कि 11:30 होने वाले हैं और ये लास्ट ही ऑर्डर डिलीवर करूंगा। 400 के आसपास अर्निंग हो गई थी, यानी कि मुझे लगता है कि 400 से ऊपर अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने घर पर चला जाऊंगा या फिर अपने रूम पर चला जाऊंगा, क्योंकि ठंड काफी हो चुकी है, ठंड सहन नहीं हो पा रही है, काफी ठंड हो चुकी है। ये दोस्तों थोड़ा सा एक बैड पॉइंट है राइडर के लिए, और इतनी सर्दी में काम करना कोई आम बात नहीं है। तो दोस्तों मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। तो सबसे पहले ऑर्डर डिलीवर करते हैं और देखते हैं हमें ऑर्डर कितना पैसा मिला है। तो हमने किया ऑर्डर को डिलीवर, देन इसके बाद देखिए हमारी जो आज अर्निंग हुई है वो हुई है 455 की। 7 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, लगभग हम 4 से 5 घंटे ऑनलाइन रहे हैं। तो आज इतने ही काम हो पाया जैसे आपने इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों देखिए मैंने लोकेशन लगाई हुई थी गो टू होम की जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन पे, ताकि मेरे पास जो ऑर्डर आए मेरे जहाँ मैंने रूम ले रखा है वहाँ का बच जाए। लेकिन देखिए वहाँ मैं पहुँच ही गया था, तो देन उसके बाद वहाँ पर ऑर्डर मेरा यहाँ पर गिरा गया, काफी दूर गिरा गया 5 से 6 किलोमीटर पर। और मैंने ऑर्डर डिलीवर करने के बाद आपने देखा ही है कि मैंने यहाँ पर ऑफलाइन कर दिया है, क्योंकि दोस्तों 10:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, यानी 11 बजने वाले हैं, 10:05 पड़े हैं 11 बजने में, और ठंड काफी हो चुकी है। और मैंने 455 की ही अर्निंग की है, 455 की अर्निंग की है, जिसे मैंने 7 ऑर्डर डिलीवर किए हैं। ऑर्डर का पैसा अच्छा मिल रहा था ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑर्डर का पैसा दिखाते कुछ है ना जब हमारे पास ऑर्डर असाइन होता है, बट जब डिलीवर करते हैं तो 2 से 3 रुपए 5 रुपए हमें कम मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों मुझे नहीं पता, बट मैंने सब कोशिश की कि इतना पैसा क्यों काटा जाता है, बट बार बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंचे और सब जागरूक हो सके कि इतना पैसा क्यों काटा जाता है।